नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। यूपी के कौशाम्बी जनपद से खबर है जहां बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक के कैश काउंटर से 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। मामला है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैतृक निवास सिराथू का, जहां पर लंच के समय कैशियर काउंटर छोड़कर अंदर चले गए। तभी गार्ड की नजर से बचकर बेखौफ युवक अंदर चले गए और काउंटर से लगभग 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। रुपए गायब होने की सूचना से बैंक में हड़कंप मच गया, पर पहुंची सैनिक कोतवाली पुलिस जांच में जुट गए। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी के फुटेज भी चेक किए, जिसमें दिख रहे दो संदिग्ध युवक की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। सीओ सिराथू रामवीर सिंह ने बताया कि बैंक मैनेजर ने सूचना दी कि बैंक के 3.5 लाख रुपए चोरी हो गए, जिस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच की जा रही है। मेरे पास आए, मैंने बोला कि हमारे पास गाँव से पैसे सॉल्ट। तो हमने वीडियो फोटोज देखा, तो हमने उसमें देखा कि एक बंदा आया है उनके दौर में से पैसे निकाल के निकल गया। हम उसके फिर ये जांच रहे हैं कितना हमारा पैसा मैंने सुना है, हमारा जो चुनी लेते। लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो हमारे दोनों स्टाफ की, जो हम जब निकले हैं तो उन्होंने काउंटर अपने पर नहीं किया, कैश का आदेश रखे उसी को बता के नहीं। क्या शिकायत आपने कही थी? अभी तक हमने अभी हम अपना कैश काउंट कर रहे हैं, कैश काउंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम पुलिस को अपील। भारतीय स्टेट बैंक में शराब बैंक मैनेजर जीरो मुझे मुझे फोन किया ढाई बजे कि हमारे बैंक से चोरी हुई है 3.5 लाख रुपये। हम तत्काल यहाँ पर हम और पैसे को मौके पर आए, आकर के जब पता किया तो ये घटना 12:30 बजे और उन्होंने हमें 2:30 बजे बताया। यहाँ 4 काउंटर बने हुए हैं। नंबर 1 काउंटर वाला अपने कैश छोड़ करके दूसरे वाले काउंटर को बताते चला गया कि टॉयलेट जा रहा है। दूसरा वाला भी उसे तीसरे वाले को बता करके चला गया कि टॉयलेट जा रहा है। तीसरा वाला भी चला गया, बाद में उससे 3.5 लाख कैश कम हो गया। तो अब अपना ये काउंट कर रहे हैं, ये काउंट करके जल्दी कार्रवाई की भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सीसीटीवी में एक लड़का और एक छोटा बच्चा है, वो संदिग्ध लगा है और जो भी हम एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। आईबी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईबी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।